फिल्म के आने से पहले जब इस तरह की फिल्म का बस क्रिएट होता है, क्या फील करते हैं आप एज एन एक्टर? देखिए ये बहुत बड़े स्केल की फिल्म है, 22 दिसंबर की रिलीज़ है। अगर आप देखें, इस साल की सबसे बड़ी ही फिल्म है। और सलमान भाई इस फिल्म में वापस आ रहे हैं आफ्टर एक था टाइगर, ये उसका सीक्वल है, टाइगर जिंदा है। और लेकिन बहुत ही अलग टाइगर है, ये एक बहुत इमोशनल जर्नी है टाइगर की। अगर आप देखेंगे, जब जैसे आपने ट्रेलर में देखा कि 25 इंडियन नर्सेस का मिशन है उनको बचाने के लिए, लेकिन वहाँ कहानी शुरू होती है, ख़त्म नहीं, कहानी शुरू होती है। तो अगर जब आप देखेंगे फिल्म पिक्चर जाकर जब लोग देखेंगे, तो उनको ये दिखेगा कि किस तरीके से ये बहुत रियलिस्टिक स्पेस में फिल्म गई है। एक था टाइगर में गाने थे, ह्यूमर था, इसमें थोड़ा सटल्टी ज़्यादा है, रियलिज्म ज़्यादा है। एक्शन जो आप देखेंगे इस पिक्चर का, वो एक अलग ही लेवल पर है। हॉलीवुड के एक्शन मास्टर्स हमें आके सिखा कर गए, टॉम स्ट्रटर्स उनका नाम है, उनकी पूरी टीम है, उन्होंने काम किया है बैटमैन, बैटमैन सुपरमैन पर, डंकर्क पर, ये बहुत बड़ी हॉलीवुड की फिल्में हैं। और उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने हमसे काम करवाया है और जिस तरीके से पिक्चर शूट की गई है, ये किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं होगी। कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको, क्योंकि हमने देखा कि इस फिल्म में सलमान खान है, कटरीना कैफ है, आपके भी किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि कैसा रहा सलमान जी, खान बहुत जी? एक्सपीरियंस अच्छा रहा। 98 डे का शेड्यूल है, शेड्यूल 98 डे का शेड्यूल था। उसमें से 17 दिन हमने काम किया है। अबू धाबी में हमारी पूरी फिल्म की शूट हुई है। तो काफ़ी ज़्यादा समय हमने स्पेंड किया है सलमान भाई के साथ और कटरीना जी के साथ। एक एक इंसान, वो इतने बड़े इंसान हैं, उनमें उनके आसपास इतना ज़्यादा स्टारडम है, लेकिन उनको जाने में मुझे 8 साल हो गए, लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल, टू नो द मैन बिहाइंड द स्टारडम ऑफ सलमान खान, वॉज रियली नाइस टू नो। बहुत ही लविंग और केयरिंग किस्म के इंसान हैं वो। अगर आपको अपना लेते हैं तो उनकी आंखों में दिख जाता है, वो पूरे एज अ फैमिली मेम्बर आपको अपनाते हैं। तो दैट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट दे हैव इन देयर, नॉट जस्ट इन हिम बट द होल खान फैमिली। उनमें काफ़ी सारे ऐसे ट्रेट्स हैं विच रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओन फादर। जिस तरीके से उनके बात करने का ढंग है, जिस तरीके से वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर आपके करियर में, आपकी आपकी होल हर लाइफ में, जैसे उनके साथ मैंने काफ़ी उठना बैठना रहा, ट्रेनिंग करी, उन्होंने मेरी डाइट को ध्यान रखा, उन्होंने मुझे ये भी जानना चाहा कि आगे जाके मैं कौन सी फिल्में कर रहा हूँ। तो सो उन्होंने पूछा कि आप क्या जी, क्या उनको फिल्म मैंने ऐड कर सूरमा रहे के हैं? बारे में बताया, शाद अली साहब की फिल्म के बारे में, तो उन्होंने, उनके भी थोड़े बहुत पॉइंट्स थे जो मैंने पुट फॉरवर्ड करे। अभी भी बातचीत होती है तो वो पूछते हैं कि कैसी चल रही है हॉकी, कैसे जा रहे हैं सीन्स। अब हमारा 4 दिन का काम बाकी रह गया है, वो ख़त्म करके अभी वापस आएंगे जब टाइगर के लिए सब। तो इट बी ग्रेट टू बी बैक ऑन द सेम जोन विद हिम। मेरा मकसद टाइगर का करने का था कि मैं चाहता था कि वो मेरा काम देखें, वो मुझे देखें कि मैं स्क्रीन पर कैसा लगता हूँ। एंड इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू वर्क विद सलमान भाई। एक एसोसिएशन बना, एक फ्रेंडशिप बनी है, एंड आई फील दैट वी कैन कैरी, आई होप वी कैन कैरी इट फॉरवर्ड टू अनदर फिल्म सून इनफ। तो मतलब कुछ एक हाँ तो हम ऐसा माने कि मतलब कुछ एक सीन्स या कुछ एक शूटिंग्स अभी करनी बाकी है फिल्म किसके की, लिए? टाइगर जिंदा है जी क्या? नहीं, फिल्म पूरी कंप्लीट है कंप्लीट हो जी। हाँ, अभी डबिंग चल रही है, कल हमने डबिंग करी पिक्चर की। तो अब 22 दिसंबर की रिलीज़ है, ज़्यादा समय भी नहीं रहा है। सो अब देखते हैं, जब ऑडियंस देखेगी, उनका उनका रिएक्शन क्या होता है। जी। और चलिए आपके एक किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, ये इस देखिए, फिल्म मैं में एक आपने एजेंट का किरदार निभा रहा हूँ जी जी। वो बहुत शार्प है, बहुत ही श्योर इंडिविजुअल है। जिस तरीके से वो अपना, हाउ ही टेक्स हिज वर्क फॉरवर्ड, जिस तरीके से उनका वर्ताव है, बिहेवियर है, एक एटीट्यूड कैरी करते हैं। बोलते कम है, एक्शन ज़्यादा है उनका। ही इज़ मैन लेस ऑफ वर्ड्स बट मोर ऑन एक्शन ओरिएंटेड है वो। ही इज़ वेरी अजाइल, ही इज़ टेक्निकली द सेकेंड इन कमांड इन टाइगर्स टीम। बहुत सारा इसमें, ही एज अ कैरेक्टर, जो मेरा कैरेक्टर, ही इज़ ट्रेंड नॉट जस्ट इन एक्शन बट इन बॉडी कॉम्पैक्ट, इन गन ट्रेनिंग, इन एक्सप्लोसिव, मेकिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स। सो द इट्स अ वेरी वेरी रियल स्पेस दैट दिस नॉट जस्ट द फिल्म इज़ इन बट ऑल्सो वॉट द अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो। इस फिल्म के लिए अंदर जी, क्योंकि हमने आपकी लास्ट जो भी फिल्में देखी हैं, आप
बेहतरीन फिल्म है। हाँ, आपको देखिए, आपकी एक्टिंग को भी काफ़ी सराहा जाता है। इनकी मैं बात करूँ या इनसाइड की बात करूँ, लेकिन इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ तो ये फिल्म के लिए मतलब आपको कुछ वर्कशॉप करना पड़ा? जी बिल्कुल, वर्कशॉप काफ़ी, ये काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग फिल्म रही है, जहाँ तक कि हमें वायर एफ हैड पुट थ्रू, अली हैड पुट मी थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग। एक किक बॉक्सिंग के सेशंस भी चले, गन ट्रेनिंग के सेशंस चले। ये जो मैं हॉलीवुड स्टंट टीम की बात कर रहा हूँ, टॉम स्ट्रटर्स की, वो आई मुंबई, दे ट्रेंड अस इन हाउ टू बी एन एजेंट। एक वॉक होती है, एक एटीट्यूड होता है, एक तरीका होता है सोचने का, एक लुक होती है, एक कैसे गन के साथ आप भाग सकते हो, किस तरीके से गन को लोड करनी है, मैगजीन कैसे डालनी है, कैसे निकालनी है, कैसी चेंज करनी है, गन को कैसे रखना है, कैसे लोड करके दिखाना है, तो वो सब चीज़ों की ट्रेनिंग चली। एक्सप्लोसिव्स कैसे बनते हैं, कैसे कैसे प्रोजेक्ट किए जाते हैं, उन सब चीज़ों की ट्रेनिंग चली। सो एक थरो एजेंट की के दौर से ही गुजरना पड़ा, तो ही ये जाके फिल्म कदम कंप्लीट कर पाए। देखिए वो तो अब मैं तो बहुत कुछ करना चाहूँगा, वो तो अब निर्देशकों पर डिपेंड करता है कि वो कैसे मुझे देखते हैं, किस। अब टाइगर देखेंगे, उसके बाद सूरमा आएगी, वो भी देखेंगे, वो एक स्पोर्ट्स हॉकी फिल्म है। तो मैं कोशिश बस ये कर रहा हूँ कि जो भी मैं काम मेरी तरफ आए, उसको मैं किस तरीके से अलग अलग किरदार के तौर से पेश कर पाऊँ, और उतना ही कनेक्ट ऑडियंस के साथ मिले, तो वो ही मेरी एक क्षमता है। बट अब देखते हैं, जब लोगों ने पिंक देखी, फिर इनसाइड एज देखा इंडस्ट्री ने, अब टाइगर देखेंगे, तो देखते हैं अब टाइगर के बाद आगे जो भी निर्देशक हैं वो किस तरीके से मुझे कास्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आपने सलमान जी के साथ का एक्सपीरियंस शेयर किया कि अगर वो आपसे अगर भूल नहीं गए, आपको अपना लेते तो एक फैमिली की तरह, कटरीना जी के साथ? जी, कटरीना जी के साथ, शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, 10 साल से ऊपर हो गए उनको इंडस्ट्री में, बहुत अच्छी फिल्म में टाइगर के बाद भी कर रही हैं, एक आनंद राय साहब भी कर रही हैं, एक आमिर भाई के साथ थग्स ऑफ हिंदुस्तान अगेन एक वायर फिल्म कर रही हैं। तो जिस तरीके से दिस टाइगर, उनका रोल इसमें क्लियरली इज गोइंग टू बी वन ऑफ अ बेस्ट वर्क टिल डेट। बहुत ही उम्दा रोल है उनका, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है उनकी, जोया की। एट द सेम टाइम जिस तरीके से उन्होंने इस कैरेक्टर को अपना अपना बनाया है, इसमें एक्शन उनका बहुत ही है, बहुत ज़्यादा एक्शन है, बहुत एक एक लुक बड़ी अच्छी है उनकी। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए अगर आप देखेंगे, उनको बहुत मेहनती एक खुद एक इंडिविजुअल हैं, बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग करती हैं, शी इज़ वेरी फोकस्ड, शी इज़ वेरी कमिटेड टू हर वर्क। देखिए मिस्टर बच्चन के साथ जब काम किया तो ही इज़ वेरी फोकस्ड ऑन हिज लाइन्स, उनका लाइक ही इज़ वेरी कमिटेड इंडिविजुअल। तभी तो 45 ईयर्स, अगर आज के दौर में देखें कि इतना 45 ईयर्स इन रनिंग किसी का करियर नहीं होता है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री जानी जाती है मिस्टर बच्चन के नाम से। अगर सिनेमा हिंदुस्तान का जाना जाता है वर्ल्ड वाइड, तो पहला नाम ही आता है मिस्टर अमिताभ बच्चन का। तो उनके साथ काम करना, इट्स लिटरली लाइक ऐसा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, आई वॉज लिटरली इन ऑ ऑफ हिज पर्सनैलिटी। मैं उनको मेरा मकसद इंडस्ट्री में आने का वजह मिस्टर अमिताभ बच्चन है। तो जैसे वो रहे पिंक में, सलमान भाई इज़ टोटली द ऑपोजिट। मिस्टर बच्चन इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड, ही नोज़ हिज लाइन्स बैक एंड फोर्थ, उनको हर चीज़ पता है, उनको उनको पता है किस तरीके से उनका कैरेक्टर का। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी सलमान भाई इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, वो देर इज़ एन अबिलिटी ऑन, ही हैज़ द ग्रेट अबिलिटी बिकॉज ऑब्वियसली राइटिंग उनकी जीन्स में है, तो इज़ एन अबिलिटी कि जो भी टेक्स्ट लिखा है, हाउ टू अपलिफ्ट दैट टेक्स्ट, हाउ टू मेक इट बेटर फॉर हिज कैरेक्टर एंड फॉर द अदर कैरेक्टर हु हिज कोस्टार इज, इफ द कोस्टार इज इन फ्रंट ऑफ हिम। जैसे मेरे काफ़ी सीन्स हैं जो उन्होंने कहा, नहीं अंगद तुम ये लाइनें बोलो, मैं ये बोलूँगा, तो तुम जब ये बोलोगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा जी। सो अब वो हमारे हैं सीन्स काफ़ी, 3-4 अच्छे उनके साथ, तो वो अब फिल्म में देखने को मिलेंगे। जी मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे मौके मिले हैं। शुजीदा ने मुझे ऐसा मौका पिंक में दिया, अली अब्बास जफर ने मुझे टाइगर में लिया पिंक देखकर ही। तो एक तरफ मिस्टर बच्चन थे, अब सलमान भाई हैं,
मतलब कि इन दोनों के बीच में तो इंडस्ट्री घूमती है, ये तो हमारे स्टॉलवर्ट्स हैं इंडस्ट्री के, सो इन दोनों के साथ काम किया, उनको मैं अपना काम दिखा पाया हूँ। मेरी बस एक ही ये प्रार्थना है कि वापस से एक ऐसा मौका मिले जहाँ मैं इन दोनों के साथ एक ही पिक्चर में काम कर पाऊँ। सो फॉर मी आई फील कि बहुत ही कम समय में मेरी, मैं ये मेरी सातवीं फिल्म है और बहुत ही मुझे 5 साल हुए इंडस्ट्री में, और अगर मेरी सातवीं फिल्म में मुझे अगर दो फिल्म ऐसी मिल चुकी हैं जो मैं अपने हाथ पे काउंट, लोग कहते करियोग्राफ में 5 या 6 फिल्में आप काउंट कर लो तो बहुत बड़ी बात है, तो मुझे लगता है पिंक और टाइगर जिंदा है ऐसी दो फिल्में हैं जो जिसकी वजह से अगर ऑडियंस की कृपा होगी तो मेरा नाम जाना जाएगा। देखिए उनको तो अब फिल्म दिखाएंगे जब रिलीज़ होगी, या दिल्ली में या मुंबई में जहाँ भी उनका समय मिलेगा तो ज़रूर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अब पिंक बहुत अच्छे से, उनको बहुत अच्छी लगी थी फिल्म इनसाइड है जो उन्होंने देखा, उनको काफ़ी पसंद आया। अब देखना चाहता हूँ कि उनका रिएक्शन टाइगर पे क्या होता है, बहुत ही बड़ी स्केल पर फिल्म है, ऑब्वियसली सलमान भाई की फिल्म है, लोग उनको देखने जाएंगे, लेकिन उनकी वजह से अगर उनकी छत्रछाया में रह के मेरे को ऊपर 4 नज़र या 10 आँखें मेरे पर पड़ जाएंगी तो मुझे लगेगा कि मेरा करियर ग्राफ सफल हो गया। उन्हें तो ये बात तो पता होगी कि आप जो हैं सलमान खान जी के साथ में फिल्म कर रहे हैं, उनकी ऐसी जी ऐसी कोई फिल्में आ रही है, उनका कुछ कभी रिएक्शन की कैसी चल रही है शूटिंग? नहीं, उनको बिल्कुल पता है, इनफैक्ट सलमान भाई के साथ उनकी काफ़ी फ़ोन पर बात भी हुई है जी, और जब मैं अबू धाबी में था तो मैं कॉन्स्टेंट इन टच में था। अभी मैं एक और फिल्म जो सूरमा कर रहा हूँ उनको वो भी पता है, मैं हर चीज़ उनके साथ शेयर करता हूँ, जो भी मैं अपना काम कर रहा हूँ या कोई अगला प्रोजेक्ट जो आता है, तो ही इज़ वेरी ग्लैड कि ऐसा काम मिल रहा है जिसकी जिसकी वजह से मेरा नाम जाना जाएगा। तो वो अभी फ़िलहाल उस जोन में है कि आप ऐसा काम करो, एक पिंक के बाद आपको ऐसी फिल्में उठानी पड़ेंगी जहाँ आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स दी ऑडियंस भी रहेगी, बिकॉज अब ऑडियंस एक एक्सपेक्टेशन के साथ आती है कि आपने उस फिल्म में परफॉर्म किया, आपने वैसी फिल्म करी, आप एक ऐसी फिल्म करें जहाँ ऑडियंस और जुड़े। सो एक ऑब्वियसली एक ग्राफ है जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो मेरा बने, विच इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। देखिए इट्स अ हॉकी पर आधारित फिल्म है, संदीप सिंह की बायोपिक है, ये कहानी एक्चुअली मोर, इट्स मोर एन इमोशनल ड्रामा ऑफ द फैमिली। दो भाई हैं संदीप सिंह और बिक्रम सिंह, रियलिटी में जो दोनों हॉकी प्लेयर रहे हैं, और कैसे बिक्रम ने काफ़ी सैक्रिफाइस करी है अपने लाइफ और संदीप को बनाया, उसको बढ़ाया और उसको एक मौका दिलवाया सो दैट ही कुड गो एंड रिप्रेजेंट द कंट्री। एक बहुत नोन फैक्ट है कि उनको गोली लगी थी स्पाइन में संदीप सिंह को, और कैसे वो पैरालाइज हो गए थे और कैसे फिर उनका वापसी हुआ था हिंदुस्तान की टीम में, और किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी एक दृढ़ संकल्प के साथ, तो और जो भी सैक्रिफाइस उसके भाई के रहे हैं टूवर्ड संदीप, उसको लाने में, उसका देखभाल करने में, तो ये उस फिल्म की जर्नी है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, ये असली कहानी है, शाद अली साहब बना रहे हैं, उन्होंने लिखी है खुद, और अब ये 29 जून को रिलीज़ होगी। हॉकी ज़रूर है इसमें काफ़ी, लेकिन वो थोड़ी बैकड्रॉप में पड़ती है, इट इज़ मोर एन इमोशनल ड्रामा इन द फैमिली। देखिए सोशल मीडिया की वजह से ही हम हैं, आज इतना बड़ा हो चुका है सोशल मीडिया, अगर वेरियस प्लेटफॉर्म्स देखें, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इंस्टा चैट है, स्नैपचैट है, लाइव चैट है, फेसबुक चैट है, हर चीज़ है, तो इसकी वजह से और ऑडियंस जुड़ती है, पहले तो ये सब नहीं था, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ, आई होप मैं ऐसा काम कर पाऊँ जो जो आपको पसंद आए, और अगर आपको नहीं भी आता तो प्लीज़ मुझे क्रिटिकली आप वापस मुझे कह सकते हैं, आपके पास आपको मेरे सारे पेजेस पता हैं, तो जैसे और मैं सबको रिस्पॉन्ड भी करता हूँ बिकॉज जी बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर फीडबैक आए अच्छा बुरा जो भी है, अगर बुरा भी है तो वो मेरी भलाई के लिए कि मैं अच्छा हो सकूँ, यू नो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हर चीज़ वाह वाह ही सुननी है तो फिर आदमी कभी सीख के आगे नहीं जा पाएगा, और मुझे वाह वाह सुनने से मैं इतना आदी नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे बताएं कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ या कहाँ बेटर हो सकता हूँ, क्योंकि अगर ये बताएंगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। जी अब अगर आपको मेरी जो अगली पिक्चर है जिसमें मैं एक हिस्सा हूँ, दो सलमान भाई की पिक्चर है, कटरीना की पिक्चर है, लेकिन उसमें मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ, उसका नाम है टाइगर जिंदा है, आप ज़रूर देखिएगा 22 दिसंबर को, बुरा लगे अच्छा लगे कमेंट ज़रूर करिएगा।
क्योंकि उस कमेंट के लिए हम वेट कर रहे हैं. थैंक यू. पीछे लूँ बस. रतन को इन्हीं मौकों का इंतजार होता है. और अगर कल तो हालत खराब हो गई. कल बहुत खराब था यार. पब्लिक अगर नहीं होते तो बहुत ही इजी हो जाता है. और पुलिस वाले भी क्या कर रहे हैं, मीडिया वालों को इतने में कर रहे हैं और उसी में बारिश भी है. छपा छप छप मिल गया. अभिषेक भी बैठे में पाँव लगता है पानी में डाल दिया. नहीं मैंने साइड में खड़ा था. डाल दिया है साइड से. अच्छा बढ़िया.